हेलो, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स. आई एम प्रियंका गुदारा एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड अ फ्यू पैटर्न्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, आई होप यू टुक द यस्टरडेज क्लास. ओके, एंड टुडे वी विल डू द पेडिग्री एनालिसिस. ओके, इन 3 o'clock दिस क्लास एंड 5 o'clock क्लास वी विल फिनिश विद पेडिग्री एनालिसिस टुडे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to tell you that Unacademy is running CSIR UGC NET online coaching classes. Okay, online classes are available for you where top educators will be teaching you. Theek hai? You can get subscription here. Okay, for 12 months, it's a good option for you because monthly you'll have to pay only 963 rupees. Okay, 24 months is even more economic with only 700 rupees. Okay, every month, and for 1 year the total comes to 11,550. So you can choose for 1 year or 2 year plan. Okay, if you choose for 1 year, the total will be 11,550. Then you can press the continue button. Okay, then you'll get this page. So here you'll get an option to enter your referral code, where you can enter my referral code, that is Priyanka10. Okay, my referral code is Priyanka10. You can apply this, okay, and you will get 10% off, and now the amount becomes 10,395. Okay, so if you want to do the whole course for your next syllabus, if you want to clear your CSIR net very soon, okay, then you should go for it. It's very, very economic, and I'll suggest you to choose this. Okay, you can also pay in EMIs. Okay, so it will not be very heavy on your pocket. Okay guys, so let's start the today's class. Yeah, good afternoon Mr. Shubham. Good afternoon Mrs. Puri. Okay, nice to see you guys. Okay, so let's start with the pedigree. First of all, let's understand. सबसे पहले समझते हैं कि कुछ जो हमारे पेडिग्री में बहुत सारे साइंस आने वाले हैं वो किस तरह के साइंस हैं. ठीक है, उनका मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर एक सर्कल बना हुआ है पेडिग्री में, ठीक है, पेडिग्री क्या होता है बेसिकली, ये दो पेरेंट्स हैं, ये किसको कहेंगे हम, फीमेल के लिए साइन होगा सर्कल वाला. ओके, सर्कल किसके लिए होगा, फीमेल के लिए. और अगर एक स्क्वायर बना हुआ है दैट इज फॉर मेल. ओके, दिस मीन्स अ मैरिज और अक्रॉस बिटवीन द टू. एंड ये जो नीचे लाइन है, यहाँ पे जो भी अब आएंगे वो इनके क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, ये क्या होंगे, इनके ऑफ स्प्रिंग्स. सपोज इनके एक बॉय है, एक ये गर्ल है और एक और गर्ल है. ठीक है, तो ये क्या हुए, इनके चिल्ड्रन. ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट जेनरेशन एंड दिस इज सेकेंड जेनरेशन. ठीक है, ये बहुत ही इजी इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है. सो अ सर्कल मींस फीमेल, ठीक है, एंड अ स्क्वायर मींस मेल. ओके, अगर ये जो सर्कल और स्क्वायर आपके हैं, अगर ये फिल्ड है, ठीक है, इस तरह से फिल्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फीमेल या मेल है उसको क्या है, डिजीज हो रखा है. दे आर डिजीज्ड और दे हैव That particular trait, वो जो डिजीज है वो उनके अंदर विजिबल है. मतलब विजिबल का मतलब फीनोटिपिकली दे आर डिजीज्ड. ओके, उनके अंदर डिजीज प्रेजेंट है. ओके, अगर इस तरह का कहीं साइन मिले जिसमें सर्कल के ऊपर इस तरह का एक लाइन बना हुआ है या फिर स्क्वायर पे एक लाइन बना हुआ है, इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, ये हमने बात की थी पहले, अभी भी मैंने बताया, ये जो चीज है इसका मतलब है मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. ओके, एंड उसके नीचे ये जो लाइन है जैसे हमने बात की थी, ये किसको डिनोट करता है, ऑफस्प्रिंग को. ये वाला जो सर्कल है फिल्ड है, इसका मतलब ये क्या है, सबसे पहले तो राउंड है, इसका मतलब क्या है, फीमेल, और ये डिजीज्ड फीमेल है. ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये किसको डिनोट करते हैं, जेनरेशन को. और यहाँ पे 1, 2, 3,
थ्री, इसका मतलब सेकेंड जेनरेशन के हम फर्स्ट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अगर वन लिखा हुआ हो, ठीक है, सेकेंड जेनरेशन का सेकेंड इंडिविजुअल, सेकेंड जेनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरह से हम पेडिग्री को रीड करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो मैं आपको और बता दूं, एक होता है कैरियर, इसकी हम अच्छे से बात करेंगे अभी। कैरियर यहाँ पे शायद डिनोटेड रह गया है, डिनोट करना। कैरियर क्या होता है, एक पर्सन है उसके अंदर डिजीज का एक जीन प्रेजेंट तो है लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है, फिनोटिपिकली ये शो नहीं कर रहा है, फिनोटिपिकली ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है, फिनोटिपिकली ये शो नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास दो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम के क्या है, सेट है, ये क्रोमोसोम का सेट है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है इसके ऊपर डिजीज वाला जो जीन है वो प्रेजेंट है, बट ये क्या है, रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव है। इसके ऊपर ये जो जीन है दूसरा वाला, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा और इसको मास्क कर देगा। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर ये डिजीज वाला जीन तो प्रेजेंट है लेकिन इसको डिजीज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, कैरियर है, जो आगे ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज वाला जीन लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको खुद को वो डिजीज नहीं हुआ है, दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसे क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे, ठीक है। ओके, या गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून देबोजॉय, ओके, या गुड आफ्टरनून, ओके। सो अब आगे समझते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के ये जेनेटिक डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमें पता है, यस, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, ठीक है, 46 के अंदर कितने सेट्स होते हैं, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एम आई राइट। 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में 22 जो सेट हैं, 22 जो सेट हैं वो किस तरह के होते हैं, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 22 सेट्स जो हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो एक सेट है जो कि क्या हो सकता है, या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, इज इट क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। मिसेस पुरी, अगर स्क्रीन ब्लर है आपका, हो सकता है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो, औरों को क्लियर दिख रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर दिख रहा है स्क्रीन, ओके। सो इन्हें हम ऑटोसोमल 22 सेट्स किसके होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के, और ये जो होते हैं दो, ये क्या होते हैं, सेट किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का, ओके। जो एक्स एक्स है वो मिलके क्या बनाएगा, फीमेल, ठीक है, और जो एक्स वाई है वो मिलके क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो ये बातें हमने समझ ली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस की। सबसे पहले आते हैं हम ऑटोसोमल डिजीजेस। ऑटोसोमल डिजीजेस का क्या मतलब है, इसके अंदर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, 22 वही सेट्स जो है वो मेल के पास है, ठीक है, उसी तरह के क्या सेट है, फीमेल के पास है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, एम आई राइट। सो ये बात हो गई ऑटोसोम्स की, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर डिजीज है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर डिजीज है तो वो किस किस पे शो होगी, या तो वो ये वाला कंडीशन हो, ठीक है, तो भी डोमिनेंट है क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, अगर वो एक भी अलील है उसका, डिजीज का प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा डिजीज, ये वाला कंडीशन है तो भी डिजीज होगी, ठीक है। ये क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो किसी ना किसी एक ऑटोसोम पे प्रेजेंट है और डोमिनेंट है, मतलब चाहे हिटरोजाइगस कंडीशन हो डोमिनेंट वाली, चाहे होमोजाइगस
होमोजाइगस हो, कोई सी भी कंडीशन हो, दोनों में वो अपने आप को शो करेगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। हंटिंगटन्स डिजीज होता है, ठीक है। एक और डिजीज है जो ड्वार्फिज्म कॉज करता है, ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया भी कॉज करता है, ठीक है। ये और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट के। अब इसमें क्या क्या ट्रेड्स होते हैं उनके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि कितनी तरह की ये डिजीजेज होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। ओके, रेसेसिव का मतलब क्या है? वो डिजीज कब शो करेगा? अगर ये वाली कंडीशन है तो अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या वो अपना डिजीज शो कर पाएगा? वो अपना डिजीज शो नहीं कर पाएगा। रेसेसिव का मतलब रेसेसिव वाले पे वो क्या प्रेजेंट है? डिजीज वाला जीन प्रेजेंट है। तो इसको ये जो पर्टिकुलर एक नॉर्मल वाला जो जीन है वो इसको क्या कर देगा? मास्क कर देगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसी की मैं बात कर रही थी, जैसे हम कैरियर कह रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ये एक नॉर्मल जीन है और ये जो है रेसेसिव है, तो जो नॉर्मल वाला है इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा और ये कैरियर है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो डिजीज है शो नहीं होगी। और डिजीज किस कंडीशन में शो होगी? अगर दोनों के दोनों ही जो जीन्स हैं दोनों ही डिफेक्टिव जीन्स हैं, उस कंडीशन में ये वाला डिजीज शो होगा, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोम पे डिजीज हो रहा है और किस टाइप का है? रेसेसिव टाइप का। इसके एग्जाम्पल्स देखें, एक तो क्या है? सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, टी सेक्स डिजीज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके गाइस, अब हम आते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक्स और एक होता है वाई। जो एक्स है उसका मेल के पास एक कॉपी होता है, फीमेल के पास दो कॉपीज हैं। वाई का सिर्फ एक कॉपी किसके पास प्रेजेंट है? मेल के पास, ठीक है। एक्स का एक कॉपी मेल के पास प्रेजेंट है, दो कॉपीज फीमेल के पास प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। अब इसमें हमें एक बात समझनी जरूरी है कि मेल के पास एक कॉपी एक्स का है, एक कॉपी वाई का है, ठीक है। एक्स वाई, अगर इनमें से कोई भी एक में भी डिफेक्ट हुआ, चाहे अगर वाई हुआ डिफेक्टेड तो भी मेल में डिजीज होगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर ये सिचुएशन है वाई डिफेक्टेड है तो भी मेल में तो डिजीज होगा, सही बात है, क्योंकि इसका एक ही कॉपी इसके पास प्रेजेंट है, दोनों की एक एक कॉपी प्रेजेंट है, राइट। तो एनीवेज उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एक्स लिंक्ड की बात करते हैं। एक्स लिंक्ड में दो टाइप के प्रेजेंट हैं। एक्स लिंक्ड एक तो कैसा है? डोमिनेंट, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो अगर क्या क्या कंडीशन हो सकती है तो ये अपने आप को शो करेगा। फीमेल के अंदर अगर ये कंडीशन है तो भी शो करेगा, ठीक है। अगर फीमेल के अंदर ये कंडीशन है, ठीक है, तो भी अपने आप को शो करेगा। और मेल में तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है अगर ये डिजीज वाला एक्स है, ठीक है, तो इसमें तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो वो सभी जनरेशंस में इसमें भी शो करेगा, इसमें भी करेगा और मेल में तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। गाइज आपको समझ में आ रहा है? यस, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? अगर कहीं भी कुछ भी इश्यू हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर किसी को भी कहीं डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इट। यहाँ हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव की, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव का मतलब क्या है? जो एक्स के ऊपर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फीमेल में ये जो है रेसेसिव वाले पे प्रेजेंट है तो फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल। यहाँ पे एक एक्स जो है वो कैसा है? नॉर्मल है। दूसरा वाला जो है वो उसके ऊपर डिजीज्ड वाला जीन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज है तो ये फीमेल क्या होगी? कैरियर होगी, ठीक है। और
दूसरी कंडीशन, फीमेल के अंदर ये अपने आप को कब शो करेगा, अगर फीमेल के अंदर दोनों जीन्स के ऊपर जो डिजीज वाला जीन प्रेजेंट है, दोनों के दोनों ही म्यूटेटेड डिजीज वाले जीन्स है, तो फीमेल कैसी होगी, डिजीज्ड होगी। ठीक है, इस वाले में नहीं शो होगा और इसमें शो होगा। ओके, थर्ड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये मेल है, ऑल दो ये रेसेसिव डिजीज है, लेकिन क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो मेल इस कंडीशन में भी डिजीज होगा। इज दैट क्लियर? वाई लिंक की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर एक्स वाई फीमेल सॉरी फीमेल के पास तो वाई होता नहीं है, मेल के पास सिर्फ वाई होता है, अगर ये कंडीशन है तो मेल क्या होगा, डिजीज होगा। ओके, मेल कैसा होगा, डिजीज होगा। तो आइए अब इन्हीं सबको हम बहुत अच्छी तरह से एक एक करके समझते हैं। ओके, कहीं भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितनी तरह की जीन्स हैं, ऑटोसोमल जीन्स हैं। ठीक है, ऑटोसोमल जीन्स जो है मेल फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अगर ऑटोसोमल प्रॉब्लम है तो वो सभी में इक्वली स्प्रेड होगी, फीमेल्स में भी वैसे ही मिलेगी, मेल्स में भी वैसे ही मिलेगी। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये डिजीज प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड मिलेंगे कंपेयर टू फीमेल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत सारी फीमेल जो हैं वो क्या होंगी, कैरियर होंगी इसके लिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के बारे में। ओके 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 गाइस, सो अब हम बात हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के ऊपर। सबसे पहले क्या है ये ऑटोसोमल, मतलब ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, डोमिनेंट है। ठीक है, इस तरह की पेडिग्री में हमेशा कुछ ट्रेड्स हैं जिन्हें आपको पहचानना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जेनरेशन स्किप नहीं होगा, हर जेनरेशन के अंदर ये डिजीज मिलेगा। पहली बात, डोमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या है, जितनी भी जेनरेशन है हर जेनरेशन में कोई ना कोई एक या दो या कितने भी ऑफस्प्रिंग्स, डेफिनेटली एक ना एक जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो डिजीज शो होगी। ये किसका ट्रेट है, डोमिनेंट का। ओके, और इसकी एक खास बात और है, डिजीज्ड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा पहले पेडिग्री बना के समझते हैं, फिर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके समझेंगे। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फीमेल, ओके, एंड दिस इज अ मेल। ओके, इन दोनों के पास में ये दो ऑटोसोमल जीन्स प्रेजेंट हैं। ऑल राइट, इसका ये जो एक जीन है ये क्या है, डिजीज वाला, इसका ये वाला डिजीज वाला है। इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ, ठीक है, ऑफस्प्रिंग आई। अब इस कंडीशन को अगर हम अलग से क्रॉस करा के देखें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, ये दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या बना, ये वाला कॉम्बिनेशन। बाकी दो कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब सपोज जो ये वाला है, ठीक है, ये किसके साथ जा रहा है, उसके साथ में। ठीक है, और कौन सा रह गया अब, कॉम्बिनेशन एक, ठीक है, ये कैसा बन गया, ये वाला। ठीक है, और एक और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जो ये वाला है ये किसके साथ जाएगा, उसके साथ में। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे क्या बना, ये। तो चार कॉम्बिनेशन बने जिसमें फर्स्ट है ये वाला। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एक होगा ये कैसा होगा, डिजीज वाला। ठीक है, ये क्या है, अफेक्टेड, डिजीज्ड है। और ये जो दो बने हैं, ये और ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कितने बनेंगे, ये क्या है, कैरियर, सॉरी, इनके अंदर भी ये डिजीज होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो डेफिनेटली इसको भी डिजीज होगा, इनको भी डिजीज होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल वन है, ठीक है, अगर फिनोटिपिकली देखें तो नॉर्मल कितना है, वन, और थ्री कैसे हैं, डिजीज वाले। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि
जो डिजीज पेरेंट्स है इन दोनों के अंदर डिजीज है, इसको भी डिजीज है इसको भी डिजीज है, ठीक है। इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल के भी होने की प्रोबेबिलिटी है, और डिजीज वाले तो इनफैक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सब तरह की पॉपुलेशन इसके अंदर मिलेगी। तो इसमें एक खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसके अंदर अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड भी मिल रही है, ठीक है। तो ये इससे हमको ये, और ये हर ऑफस्प्रिंग मतलब आगे भी जो जनरेशन होगी, सपोज इसकी मैरिज यहाँ होती है, ठीक है, तो अब इनके चिल्ड्रन में भी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी ये डिजीज जाएगी, ठीक है। अब सपोज इसकी आगे मैरिज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये डिजीज आगे जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने कितनी जनरेशन देखी, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन एंड 4 जनरेशंस। सभी जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, सभी जनरेशन के अंदर डिजीज प्रेजेंट है। इसका मतलब नो स्किप ऑफ जनरेशन, एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। इसका मतलब कैसा डिजीज है, डोमिनेंट है, ठीक है, और वो ऑटोसोमल है। ये हम कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और उनकी एक भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये डिजीज नहीं आई है, इसका मतलब ये क्या है, ऑटोसोमल है। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर मतलब मिक्स है, इसमें गर्ल्स को भी डिजीज हो रही है, ठीक है, और बॉयज को भी डिजीज हो रही है, लेकिन कोई ऑफस्प्रिंग ऐसी भी है जिसके अंदर डिजीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, और बेटर इस वाले से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक पेरेंट है कौन है, फादर, फादर को ये डिजीज है, ठीक है। मदर जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ओके, मदर नॉर्मल है, इन दोनों का क्रॉस हुआ। तो हमने क्या देखा, ऑफस्प्रिंग के अंदर फीमेल्स को भी डिजीज आ रही है, मेल्स को भी डिजीज आ रही है, लेकिन इनके नॉर्मल किड्स भी हैं। इज दैट क्लियर, इनके नॉर्मल किड्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक हमें ये समझ में आ रहा है कि ये आगे तो कैरी ओवर हो रहा है, डोमिनेंट है, ठीक है। और आगे की जनरेशंस देखेंगे तो ये कितनी जनरेशंस हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, हर जनरेशन के अंदर एक ना एक जो ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले डोमिनेंट का साइन क्या है, डोमिनेंट डिजीज का नो स्किप ऑफ जेनरेशन। नो स्किप का मतलब कोई भी जेनरेशन ऐसी नहीं जा रही है, इस जेनरेशन के अंदर भी डिजीज वाले हैं, इस जेनरेशन में भी डिजीज वाले हैं, इसमें भी डिजीज वाले प्रेजेंट हैं, यहाँ भी डिजीज वाले प्रेजेंट है, तो नो स्किप ऑफ जेनरेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल भी मिल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जेनरेशंस भी आ रही हैं और सब मिक्स्ड है, इक्वली मेल्स में भी दिख रहा है, फीमेल्स में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आई होप ये क्लियर हुआ है, ठीक है, आगे और समझते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव, अब हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या है, जहां भी रिसेसिव है, रिसेसिव को हम कैसे पहचानेंगे, रिसेसिव को हम पहचानेंगे बाय स्किप ऑफ जेनरेशन, ठीक है। हर जेनरेशन के अंदर ये डिजीज प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसकी एक खास बात क्या है, नॉर्मल पेरेंट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स हैं और नॉर्मल पेरेंट्स के भी डिजीज वाला कोई एक किड हो सकता है, ठीक है, सपोज इस किड को डिजीज है, ठीक है, और बाकी इनके बच्चे नॉर्मल हैं। तो इसका क्या मतलब है, पेरेंट्स के अंदर डिजीज शो नहीं हो रहा है, मतलब डेफिनेटली वो जीन तो इनके अंदर प्रेजेंट था, तभी तो ऑफस्प्रिंग के अंदर वो डिजीज आई है,
ठीक है, मतलब इनके अंदर वो जीन तो प्रेजेंट था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? दोनों के दोनों क्या है? कैरियर है, दोनों के दोनों ही कैरियर हैं यहाँ पर, ठीक है। तभी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये क्या आ सकती है? डिजीज आ सकती है। तो रेसेसिव के अंदर दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि यहाँ पे स्किप ऑफ जनरेशन मिलेगा, ठीक है। इस वाली जनरेशन के अंदर डिजीज नहीं था लेकिन सेकेंड जनरेशन में आ गया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं था लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? डिजीज आ गया है, ठीक है। अब अगर इसकी यहाँ मैरिज हुई, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा तो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी और ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं है, मतलब थर्ड जनरेशन में दोबारा ये डिजीज गायब है, ठीक है, स्किप हो गई। तो स्किप ऑफ जनरेशन, ठीक है, ऑटो, सबसे पहले रेसेसिव का ट्रेट क्या है? स्किप ऑफ जनरेशन। अगर कहीं पे भी स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है, सारी जनरेशन में, हर जनरेशन में वो डिजीज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? रेसेसिव है। ये देख के आपको समझ लेना है कि डिजीज कैसी है, रेसेसिव है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेल्स और फीमेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, रैंडमली मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये स्प्रेड हो रहा है आगे जाकर के जनरेशन में, तो इसका मतलब क्या है? ऑटोसोमल है, ठीक है। सेक्स वालों का, जो सेक्स रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनका थोड़ा एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है आगे जाने का, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, उसमें स्किप ऑफ जनरेशन होगा। और दूसरी जो खास बात मैं बता रही थी, दूसरी खास बात क्या है? नॉर्मल पेरेंट्स के भी डिजीज वाले चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है? इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव। कैरियर कौन होता है? मैंने आपको बताया था हीटरोजाइगस, इसके पास अलील्स होते हैं। हीटरोजाइगस अलील्स का मतलब एक नॉर्मल अलील है और दूसरा जो अलील है वो डिजीज वाला है। ये दोनों जैसे कैरियर हैं, एक एक इनके पास नॉर्मल जीन प्रेजेंट है और एक एक जो जीन है वो इनके पास कैसा है? डिजीज वाला। तो क्योंकि ये रेसेसिव था जीन, इस वजह से इन दोनों के अंदर ये डिजीज नहीं आया, लेकिन इनके जो डिजीज डिजीज वाले जीन एक जगह चले गए, ऑटोसोम्स एक बंदे के अंदर चले गए, ठीक है, बंदी के अंदर चले गए, तो इसको क्या हो गया? डिजीज हो गया। इस पर्टिकुलर गर्ल को क्या हो गया? डिजीज, क्योंकि इनके दोनों जो डिजीज वाले, एक तो क्या था? ये था और एक ये डिजीज वाला था, एक इसके पास भी नॉर्मल था, एक डिजीज वाला था। तो ये जो डिजीज डिजीज वाले थे ये दोनों किस में चले गए हैं? इसके अंदर, तो इसमें डिजीज आ गया। ओके, और इसकी एक खास बात और क्या है? दिस इज जनरली सीन इन कॉन्सेंग्विनस मैरिजेस। कॉन्सेंग्विनस मैरिजेस क्या होते हैं? जो कई कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे क्लोजली रिलेटेड जो कजन्स होते हैं उनके अंदर मैरिजेस हो जाती हैं, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड कजन्स की मैरिजेस होती हैं उनके अंदर ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। और इसका हिंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नॉर्मल अगर पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन के अंदर डिजीज है, इसका मतलब क्या है? रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है। और ऑटोसोमल को हम किस तरह से देख सकते हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर आगे फॉरवर्ड होने के लिए पैटर्न नहीं होता, मेल्स में भी उतना ही जाएगा, फीमेल्स में भी उतना ही जाएगा। ओके, चलिए इसको एक और इससे समझते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, ठीक है, इनकी ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? इन जो इन पेरेंट्स के बच्चे थे इसमें ये कौन थी? गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे ये एक और गर्ल, सॉरी ये डिजीज नहीं है। ओके, ये डिजीज नहीं है, मैंने इसको फिल कर दिया है, बट ये डिजीज नहीं है, कैसी है? नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, ये दोनों ही नॉर्मल सिस्टर्स हैं। ओके, इनकी कहीं बाहर शादी हुई मेल्स के साथ में जो कि नॉर्मल थे, ठीक है। इनके बच्चे हुए इस सिस्टर का बेटा, ठीक है, और इस वाली सिस्टर की बेटी, इनकी आपस में इन्होंने मैरिज करवा दी, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ? इनके जो बच्चे हुए उसके अंदर, एक के अंदर ये डिजीज आ गई। इसी को कॉन्सेंगुइनस मैरिजेस कहते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड, मतलब यहाँ पे दो मौसियों के बच्चों की शादी हुई जिस वजह से उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये डिजीज आ गई। अब इसका रीजन हम क्या समझ सकते हैं कि इनके अंदर कोई सा एक था जो कैरियर था, सपोज फीमेल कैरियर थी, ठीक है,
उसकी वजह से ये जो फीमेल नॉर्मल दिख रही है बट एक्चुअल में ये भी कैरियर है। ठीक है, क्या है? कैरियर है। फिनोटिपिकली नॉर्मल दिख रही है क्योंकि इसके पास क्या कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये क्या है? कैरियर है। ये भी नॉर्मल दिख रही है फिनोटिपिकली बट ये भी क्या है? कैरियर है। ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं, यहाँ से ये जो जीन था यहाँ इसके बेटी में गया और ये जो था इसके बेटे में गया। ठीक है, और इन दोनों की क्योंकि शादी हो गई है तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गर्ल है इसको ही डिजीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पर मेल्स के अंदर भी हम देख रहे हैं, फीमेल्स के अंदर भी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ओके, अब जो हम बात कर रहे थे कि कुछ जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर आगे इसको पास फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो ओके गाइस, वन मिनट। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं जो एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है उसकी। ठीक है, एक्स लिंक्ड। ओके, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हम क्या कोशिश करते हैं? फादर से रिलेट उसको हम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स है और एक ही वाई है। ठीक है, तो इसके अंदर चाहे वो रेसेसिव है डोमिनेंट है दोनों शो होंगे। ठीक है, अब वो एक्चुअल में आगे क्या आएगा वो हमें पता लग जाएगा। तो हम फादर्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की बात करते हैं या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज की बात करते हैं। ये डोमिनेंट है तो इसका वही ऑटोसोमल की तरह हर जेनरेशन में शो होगा। ठीक है ना, कोई भी जेनरेशन स्किप नहीं होगी, नो स्किप ऑफ जेनरेशन, नो स्किप ऑफ जेनरेशन। डिजीज मदर जो है, ठीक है, उसके अफेक्टेड बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिजीज फादर है, ठीक है, अगर फादर डिजीज है तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनता है? यहाँ देखते हैं, ये एक्स वाई फादर है। ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पर मदर है। ठीक है, तो जो फादर है अगर उसका एक्स डिफेक्टेड है तो ये खुद तो डिजीज होगा ही होगा, इसके अंदर ये डिजीज प्रेजेंट होगी। और ये सिर्फ किसको पास ऑन करेगा? अपनी डॉटर्स को। ठीक है, मतलब डिजीज्ड फादर जो डिजीज है ये वाली, वो सिर्फ अपनी किसको पास करेगा? डॉटर्स को ये डिजीज पास ऑन करेगा। ठीक है, इसको डिजीज होगा। ठीक है, और ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, दूसरी डॉटर, इसको भी डिजीज होगा। मतलब कि 100% हर बेटी को, अगर एक डिजीज्ड मैन है उसकी हर बेटी को ये डिजीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? और बेटों को डिजीज नहीं हो रहा है, फादर जो है अपने बेटों को वो डिजीज पास ऑन नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। इज दैट क्लियर? नन ऑफ द सन्स ऑफ दिस डिजीज्ड फादर विल बी अफेक्टेड। ओके, इसको हम और समझते हैं, इससे एक पेडिग्री से हम इसको समझते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर आप बहुत ध्यान से इसको देखें और सुने। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे फादर जो है डिजीज्ड है। ओके, अब हम कैसे पहचाने कि भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये पहचानना एक, बस अगर आपने ये पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा उसमें इस फादर से कुछ सन्स के अंदर भी ये पास ऑन होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो हमेशा फादर से किसमें ट्रांसफर होगा? सिर्फ डॉटर्स में होगा। ठीक है, फादर से किसमें ट्रांसफर होगा? डॉटर्स में होगा, एक भी सन को ये ट्रांसफर नहीं होगी डिजीज। ठीक है, अब जो ये डॉटर अफेक्टेड है इसके पास तो दो एक्स हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वाला है और एक फादर से इसको डिफेक्टेड वाला मिला है,
इसको डिजीज है, ठीक है। अब इसकी शादी अगर एक नॉर्मल पर्सन से होती है, ठीक है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है ये, तो इस कंडीशन में ये जो एक्स है ये इस एक्स के साथ जाएगा और डिजीज डॉटर बनेगी जो कि ये है, ठीक है। और ये जो एक्स है इस वाई के साथ जाएगा और डिजीज सन भी बनेगा, ठीक है, डिजीज वाला सन भी बनेगा जो कि ये है, ठीक है। इसका मतलब जो डॉटर है डिजीज्ड फादर की सब बेटियों को डिजीज है, ठीक है, और डिजीज्ड डॉटर जो है ये जो पर्टिकुलर गर्ल है इसके सन को भी डिजीज है और डॉटर को भी डिजीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न और देखना है, जो ये डिजीज लेडी थी इसका सन है, इसकी ऑफस्प्रिंग को अगर हम देखेंगे तो दोबारा यहाँ पे सन को डिजीज नहीं हुआ है, सिर्फ किसको हुआ है, डॉटर को, ठीक है, सिर्फ डॉटर डिजीज्ड है। तो ये पैटर्न हमने दो जगह देखा, यहाँ पे डिजीज्ड फादर है, ठीक है, वो 100% डॉटर्स, दो बेटियां हैं दोनों में डिजीज है, ठीक है, यहाँ पे भी डिजीज्ड फादर है और एक ही बेटी है उसको भी डिजीज है, ठीक है। तो फादर से सिर्फ डॉटर में हो रहा है, सन में नहीं हो रहा है ट्रांसफर। इसका मतलब ये सबसे पहली बात हर जनरेशन में प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट है, इस जनरेशन में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इस जनरेशन में भी डिजीज है और इसमें भी डिजीज है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन हिंट है, देखने वाली बात क्या है, डिजीज्ड फादर से अगर 100% हर डॉटर को हो रहा है और एक भी सन को नहीं हो रहा है, तो यही से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। समझ में आ गया? ऑटोसोमल में क्या था, डॉटर्स और सन्स अगर दोनों प्रेजेंट है दोनों में इक्वली वो डिजीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, आगे तक जो पैटर्न है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फादर सिर्फ डॉटर को ट्रांसफर कर रहा है, फादर से अगर सन को भी हो रहा है और फादर से डॉटर को भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑटोसोमल डिजीज है। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है तो फादर से वो सिर्फ डॉटर को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है। इज दैट क्लियर? यस मिसेस पुरी, अगर फादर अफेक्टेड है तो फिर डॉटर को होगा, 100% डॉटर्स को होगा। अगर मदर को है तो बेटे को हो सकता है, 50% चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल भी है, ठीक है। ये सपोज एक अफेक्टेड लेडी है, ठीक है, ये डिजीज लेडी है, इसके पास दो क्रोमोसोम्स है एक्स, एक ये है और एक ये है, एक डिजीज वाला है और एक नॉर्मल वाला है, ठीक है। ये अगर ये वाला अपनी बेटी को ट्रांसफर करती है और फादर उसका बच्ची का नॉर्मल है तो बेटी नॉर्मल होगी, ठीक है, और अगर वो ये देती है बेटी को तो डॉटर जो है डिजीज्ड वाली होगी। अगर ये अपने बेटे को देती है, ठीक है, तो बेटा डिजीज वाला होगा, और अगर ये जो पर्टिकुलर जीन है ये बेटे में जाता है तो बेटा नॉर्मल होगा। इसका मतलब इस लेडी के, डिजीज लेडी के 50% जो ऑफस्प्रिंग है, जनरली अप्रोक्सीमेटली 50% जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी से निकालें तो, और 50% जो है वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसके डिजीज्ड बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी गर्ल की, ओके। तो हम इससे इसको रिलेट करके नहीं समझेंगे, हम हमेशा किसको देखेंगे, फादर को देखेंगे कि फादर से जो डिजीज है वो अगर सिर्फ डॉटर में जा रही है, डॉटर के अंदर दिख रही है, ठीक है, डॉटर से दोनों में जाएगी, डॉटर से सन, इस ये जो गर्ल है इसके बॉय में भी होगी और इसके गर्ल में भी डिजीज होगी, 50-50% चांसेस है दोनों चीज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं फादर से जो है 100% डॉटर्स को ये डिजीज होगी, 100% डॉटर्स को, और एक भी सन को नहीं होगी। बस इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, रेसेसिव का मतलब होता है स्किप ऑफ जनरेशन, डोमिनेंट आप कैसे पहचानोगे, हर जनरेशन में डिजीज है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, वो ऑटोसोमल है या फिर वो एक्स लिंक्ड है ये हम कैसे पहचानेंगे, अगर फादर से 100% डॉटर्स में हो रही है, सिर्फ डॉटर्स में हो रही है, ठीक है, फादर को देखेंगे, फादर डिजीज वाला है और डॉटर्स इसकी सब डिजीज वाली हैं,
इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक भी बेटे में ट्रांसफर नहीं हुई। अगर बाई चांस ये ऑटोजोमल में हो गया, बाई चांस अगर ऐसा, तो यहाँ पे एक ना एक और जगह आपको हिंट जरूर दी हुई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक ही बेटी और उसको डिजीज है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फादर्स एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज की, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो ये एक फीमेल है, ठीक है, और ये एक मेल है। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है तो क्या इस वाली फीमेल को ये डिजीज होगी? ये रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो नॉर्मल वाला ये एक्स है, ये डिजीज वाले एक्स को क्या कर देगा, मास्क कर देगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल एक्स क्या करेगा, डिजीज्ड एक्स को मास्क कर देगा, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन कैसा दिखेगा, नॉर्मल, और इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं, ठीक है। रेसेसिव में ही सिर्फ कैरियर्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मेल है, ऑल दो ये डिजीज रेसेसिव है, ठीक है, लेकिन इसके पास कॉपी ही एक है एक्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर मेल है इसको ये डिजीज होगी, ठीक है। ये जो फीमेल है क्या है, कैरियर है, और मेल के अंदर ये डिजीज हमें मिलेगी, डिजीज यहाँ पर होगी। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले रेसेसिव पहचानने का तरीका है स्किप ऑफ जेनरेशन। हर जेनरेशन में डिजीज नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। और डिजीज जो है, फादर को डिजीज है, ठीक है, इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी। क्यों होगी, हम देखते हैं, ठीक है। ये मदर है जो नॉर्मल है, ठीक है, और ये फादर है जो अफेक्टेड है, ओके, ये डिजीज्ड है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, ठीक है, ओके, एक और जो बनेगा वो भी ये वाला बनेगा, ठीक है, एक बनेगा ये और एक और ये, ठीक है ना। वन कंडीशन, टू कंडीशन, ठीक है, थ्री कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन, ठीक है। ये चारों कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सारे के सारे सन हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। डॉटर भी, क्योंकि ये रेसेसिव है, तो ये दोनों की दोनों जो डॉटर्स हैं ये भी कैसी दिखेंगी, फिनोटिपिकली ये कैसी दिखेंगी, हमें नॉर्मल दिखेंगी, बट एक्चुअल में दोनों की दोनों क्या है, कैरियर हैं। इज दैट क्लियर? ये भी कैरियर है, ये वाली डॉटर भी कैरियर है, ठीक है। तो फादर से ये सन के अंदर बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा, सन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। डॉटर्स भी यहाँ पे दिखेंगी कैसी, नॉर्मल, ठीक है, किसी में भी डिजीज इस जनरेशन में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें फादर को डिजीज थी, ये सेकेंड जनरेशन है इसमें किसी को भी डिजीज नहीं है, नन ऑफ देम हैव दिस डिजीज, ठीक है। यहाँ पे दो डॉटर्स है जो कि कैरियर है, सो ऑल डॉटर्स ऑफ डिजीज्ड फादर विल बी कैरियर्स, ओके। अ कैरियर मदर विल हैव डिजीज्ड सन, हाफ चांसेस हैं कि अब ये जो पर्टिकुलर मदर है इसको अगर हम देखें, इसका ये क्या है, इसका जीनोटाइप है, फिनोटिपिकली ये नॉर्मल दिख रही है, बट ये कैरियर है। इसकी अगर शादी होती है एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है, तो इसकी वही वाली सिचुएशन है, एक कॉम्बिनेशन बनेगा ये, ठीक है। ये जो डॉटर इसकी बनी है ये भी क्या है, कैरियर, ओके। ये दूसरी डॉटर बनी है ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, ये कैरियर भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ओके। अगर ये जो पर्टिकुलर जीन इस सन के पास गया तो सन को क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। और अगर ये दूसरा वाला जो एक्स है ये इस वाई के साथ में मिलेगा तो नॉर्मल सन होगा, ठीक है। मतलब अगर एक भी डिजीज वाला एक्स मेल में गया तो उसको डिजीज हो जाएगा। तो इसमें एक और खास बात क्या है,
जो नॉर्मल मदर है उससे बेटियों में डिजीज नहीं जा रही है, सिर्फ बेटों में डिजीज जा रही है, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ मदर है जो कैरियर है, तो बेटे के अंदर ये डिजीज जा रही है, बेटियों के अंदर डिजीज नहीं जा रही है। बेटी कैरियर हो सकती है लेकिन डिजीज नहीं हो सकती है। ओके, सो ये इसको पहचानने का तरीका है। अगर इसको हम और समझें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फादर हैं जो कि डिजीज्ड हैं, ठीक है, और मदर यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। अब ये ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है, सॉरी रिसेसिव है या डोमिनेंट है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे इस जेनरेशन में डिजीज है। यहाँ पर डिजीज नहीं है और यहाँ पे वापस डिजीज प्रेजेंट है। स्किप ऑफ जेनरेशन है, यहाँ पे स्किप ऑफ जेनरेशन की वजह से ये हमने पहचान लिया इसको कि क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, इस जेनरेशन में किसी को भी और ये डिजीज नहीं हुई, ठीक है, जो फर्स्ट जेनरेशन है इसमें किसी को भी डिजीज नहीं हुई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जेनरेशन आ रही है इसके अंदर किसको, एक जो इसकी ऑफस्प्रिंग है इसको ये डिजीज हुई है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये भी डेफिनेटली डिजीज्ड ही होगा, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये भी डिजीज्ड ही होगा, सॉरी ओके, ये डिजीज नहीं है, ये नॉर्मली है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सिर्फ सन को वो पास करेगी, यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन गया है, ये वाला, ठीक है। इस वजह से ये जो इसका सन है इसको डिजीज है, ठीक है, इसकी ये जो पर्सन है ये नॉर्मल है, ठीक है, कैरियर भी नहीं हो सकता, ये नॉर्मल है। यहाँ पे सिर्फ सन को पास ऑन हुई है ये डिजीज, ठीक है, सिर्फ सन को ये डिजीज पास ऑन हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो मदर है कैरियर है, ठीक है, और यहाँ इसने इसको ये सिर्फ सन के अंदर ये पास ऑन की है, इसका मतलब ये कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जनरली मेल्स के अंदर अगर वो डिजीज ज्यादा दिख रही है, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर वो नहीं दिख रही है या बहुत कम दिख रही है, इसका मतलब डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, ठीक है, वैसा सही है ये भी। यहाँ पर क्या, ये जो पर्टिकुलर फादर है इसको क्या है, डिजीज है, ठीक है, ये मदर है बिल्कुल नॉर्मल है, ओके। यहाँ पे यहाँ जो इसका सन है इसको तो ये पास ऑन करेगा नहीं, किसको पास ऑन करेगा, अपना जीन डॉटर को। तो सपोज यहाँ पे ये जो मदर है क्या है, कैरियर है, मदर कैरियर है, मदर के पास दो जीन्स हैं एक्स एक्स, जिसमें से एक अफेक्टेड है, ठीक है, ये यहाँ पे इनके मेटिंग हुई, ठीक है। जिस भी सन के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन जाएगा वो कैसा होगा, डिजीज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर क्या देखा, स्किप ऑफ जेनरेशन, इसका मतलब रेसेसिव है, ठीक है, और स्किप ऑफ जेनरेशन के बाद में सिर्फ एक बॉय को ये डिजीज हो रही है, ठीक है, किसी भी गर्ल में ये डिजीज आगे नहीं दिख रही है। इस वाली जेनरेशन में भी किसी भी गर्ल में नहीं है, मतलब मेल्स के अंदर ज्यादा दिख रही है, ठीक है, स्किप ऑफ जेनरेशन भी दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। बस दो टिप्स हैं इसको समझने के, मेल्स के अंदर ज्यादा दिख रही है और स्किप ऑफ जेनरेशन भी है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है, और यही वाली चीज जो है आपको समझनी है। तो ये फोर टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट एक और टाइप है, लास्ट वाला, ओके, वाई लिंक डिजीज। तो ये तो डेफिनेटली वाई लिंक डिजीज क्या होगा, सिर्फ किसके अंदर होगा, वाई लिंक डिजीज जो है ओके, सो वाई लिंक डिजीज जो है सिर्फ फादर से किसको ट्रांसफर होगा, सन को ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सन बनेंगे, ठीक है, सबके सब डिजीज्ड होंगे, ओके।
और किसी भी जनरेशन में एक भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है? एक ये कॉम्बिनेशन बनता है डॉटर का और एक ये वाला, तो डॉटर्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और जो सन है वो सबके सब क्या है, अफेक्टेड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइलिंग डिजीज। इसको हम देखें अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये फादर है, ये नॉर्मल लेडी है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सन को और 100% सन को ये प्रॉब्लम है। 100% सन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आगे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे डॉटर नॉर्मल है, ठीक है, इनकी ऑफस्प्रिंग पूरी नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी पेडिग्री में एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे सन दो है, दोनों को डिजीज है, ठीक है। ये वाला जो सन है इसकी नॉर्मल लेडी है, इसके साथ में मेटिंग हुआ, तो यहाँ पे एक सन हुआ उसको भी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, वाई लिंक्ड डिजीज है, ठीक है। वाई लिंक्ड डिजीज का मतलब जो अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर से 100% सन के अंदर ये प्रॉब्लम जाएगी। इज इट क्लियर? सो ये है वाई लिंक्ड डिजीज। ये तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। ओके गाइज, तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी देके जा रही हूँ। 5 o'clock क्लास में हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस वीडियो को आप रीप्ले करके एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को दोबारा से, ठीक है। अभी 5 PM क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। आपको मुझे आइडेंटिफाई करके डिजीज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। दोबारा रीप्ले कर लेंगे इस वीडियो को एक बार, ठीक है। ये पेडिग्री आप खुद बना करके एक बार ट्राई करें और मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टू है और ये है क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है। आपको इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है कौन सी डिजीज है। अभी 5 PM क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करके आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स डाल दें, ठीक है। इसी क्लास के कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं, ओके। और इनको हम 5 PM फिर डिस्कस करेंगे। ऑल राइट गाइज, सो दैट इज ऑल। आई होप आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू एट 5 PM, बाय।